अंचल के सबसे बड़े गरबा आयोजन डायमंड रोटरी डांडिया महोत्सव में विराजित हुई माता रानी। नीमच जिला ही नहीं, आसपास के अंचल में सबसे बड़े गरबा आयोजन डायमंड रोटरी डांडिया महोत्सव की आज शुरुआत हो गई। गाजे बाजे के साथ मां दुर्गा को रोटरी डायमंड के पदाधिकारी भक्तिमय माहौल के साथ गरबा स्थल लेकर पहुंचे। जानकारी देते हुए डांडिया संयोजक हेमंत भंडारी, कमल मंगल, दीपक मुंदड़ा, आशीष गर्ग, बामन बर्डी, कमल अंजना व राहुल खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि भव्य नवरात्रि गरबा उत्सव की शुरुआत आज हुई। करीब 11 बजे अग्रवाल पंचायत भवन बारादरी महू रोड से माता रानी को आमंत्रित कर भव्य चल समारोह प्रारंभ हुआ, जो कि नया बाजार, घंटाघर, पुस्तक बाजार, विजय टॉकीज चौराहा होते हुए गांधी वाटिका, रतन देवी मांगलिक भवन, गरबा स्थल पर पहुंचा, जहां मंत्रोच्चार और विधि विधान से माता रानी विराजित हुई। रोटरी डायमंड के वर्तमान अध्यक्ष दीपक एरन ने बताया कि बीते 8 सालों से रोटरी डायमंड संस्था लगातार भव्य गरबा आयोजन करती आ रही है। कोरोना के चलते 2 वर्ष यह आयोजन नहीं हो पाया, पर अब फिर से पदाधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है और इस वर्ष भव्य गरबा आयोजन संपन्न होगा। ज्ञात हो कि रोटरी डायमंड के गरबा आयोजन को देखने के लिए नीमच ही नहीं, आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में माता रानी के भक्त आते हैं। इस बार भी 25 से अधिक ग्रुप रोजाना एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। इस दौरान अध्यक्ष दीपक एरन, सचिव सुनील सोनी, कोषाध्यक्ष प्रवीण गोदावत, संस्थापक अध्यक्ष हेमंत भंडारी, पूर्व अध्यक्ष अगन कमल मंगल, दीपक मुंदड़ा, कमल अंजना, आशीष गर्ग, बामन बर्डी, राहुल खंडेलवाल व पदाधिकारी गण, धीरज जैन, सुमित मित्तल, जयंत पदियार, गोपाल राव, गोपाल सिंगल, गुरवंत जैन। डायमंड का 9 दिवसीय डांडिया आज से प्रारंभ हो रहा है। अभी घट स्थापना हो गई है, शाम को 8 बजे से कई टीमें आ रही है जो कि डेली गरबा का रास करेगी। उसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए, मनोरंजन के लिए झूले व फूड जोन की व्यवस्था भी की गई है। 2 साल के कोरोना के बाद जो ये गरबे का कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। इसमें इस बार सभी को बहुत ही उत्साहित हैं, क्लब के मेंबर, गरबा रास करने वाले, प्लस दर्शक भी काफ़ी उत्साहित हैं कि ये गरबा देखने के लिए। कितनी टीमें इसमें भाग ले रही हैं? लगभग 24 टीमें इस गरबे में भाग ले रही हैं। गरबे के अंदर और भी बीच में एक दो प्रस्तुतियां भी रखी गई है, माता जी की आराधना भी की जाएगी। सभी जो गरबा करने वाले हैं उनको सबको निशुल्क एंट्री दी गई है, साथ ही दर्शकों को भी निशुल्क व्यवस्था की गई है। साथ ही गरबे के अंदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। दीपक किरण, अध्यक्ष, रोटी डायमंड।